ये आईबीएस ना बढ़ क्यों रहा है, क्यों आईबीएस के पेशेंट्स हैं दिन बा दिन बढ़ते जा रहे हैं, चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में। आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पिछले दो दशकों में इनके जो पेशेंट्स हैं उसमें जो इजाफा हुआ है, ग्रोथ हो रही है, इतनी ज्यादा है उसका इसका रेशियो है कि समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। चलिए आ देता हूं मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन, आपको समझ में आ जाएगा कि इतना आईबीएस बढ़ क्यों रहा है। पहला, क्या आपको लगता है पिछले दो दशकों के अंदर एंटीबायोटिक्स का जो कंजम्पशन है वो बढ़ गया है? मेरा सवाल आपसे है, खुद सोचिए। दूसरा, क्या आपको लगता है छोटी छोटी तकलीफों के लिए आपने दवाइयां खानी शुरू कर दी हैं? आपसे मेरा सवाल है, क्या आपके परदादा दादा परदादा क्या वो कभी डिप्रेशन एंग्जाइटी इसकी गोलियां खाया करते थे? ये मेरा सवाल आपसे है। पानी, जो आप पानी पी रहे हैं प्लास्टिक की बोतल के अंदर, क्या उसका जो जब जो प्लास्टिक में केमिकल है क्या वो पानी में आता है, उसके आपके शरीर में आता है? सोचने वाली बात है ये, इसका जवाब आप देंगे, मैं नहीं दूंगा। आप सोचिए, जो ये पानी की बोतलें लेते हो जो धूप में 40 डिग्री टेम्परेचर पे सेल्सियस में रखी गई होती हैं, धूप पड़ रही होती है, उसका केमिकल क्या हमारे शरीर में जा रहा है? आप बताएंगे? मैं नहीं बताऊंगा। क्या जो आप खा पी रहे हैं उसके अंदर पिछले दो तीन दशकों से क्या उसके अंदर पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर जो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है क्या वो बढ़ गया है? इसका जवाब आप देंगे। मैं ये बोलना चाहूंगा, मैं अभी एक न्यूज सुन रहा था कि पंजाब में 200 किलो प्रति हेक्टर फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, पूरे देश में 90 किलो प्रति हेक्टर है, अकेले पंजाब में 200 किलो अप्रॉक्सीमेट प्रति हेक्टर यूज किया जाता है। भाई इतना फर्टिलाइजर कहाँ जा रहा है? ये फर्टिलाइजर किसके गट को खराब कर रहा है? क्यों ये तकलीफें इतनी बढ़ती जा रही हैं? क्या जो आप ये जो गुड़ खाते हैं, गुड़ इतनी बड़ी औषधि है, क्या आपके गुड़ में केमिकल है? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब आप देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सी गलतियां कर रहे हैं और हमें कैसे उसको ठीक करने की जरूरत है। आपको गुरु चाहिए जो आपको राह दिखा पाए। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देश में चुनाव हो रहे हैं, अब जो हमारे जो जितने भी हमारे राजनेता हैं नेता हैं उनके पास ये वीडियो जाना चाहिए ना, उनको मालूम पड़ना चाहिए जो इतना फर्टिलाइजर जो ये दे रहे हैं ऑडियंस को, क्या इसकी वजह से आईबीएस क्रॉन्स अल्सरेटिव कोलाइटिस सोराइसिस ग्रेव्स हाशिमोटो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उन्हें खुद समझ में आ जाएगा। और अगर समझ में किसी को ना आए तो मेरा कस्टमर केयर नंबर है, कॉल कीजिए, मैं समझाता हूं कि कैसे ये तकलीफें बढ़ रही हैं। अगर इन्हें रोका नहीं गया तो ये एक ऐसा वॉल्केनो बनेगा और जब ये इरप्ट होगा तो आने वाली पीढ़ी जो चल रही है, तो ये पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां खराब हो जाएंगी। आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया हो। मैं गुरप्रीत सिंह बत्रा, मैं तो ये ठान लिया है मैं इस दुनिया से इन तकलीफों को खत्म करूंगा अपने तरीके से, लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए, आपके साथ के बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। दबा के शेयर करो वीडियो को, शेयर करो, आवाम तक ये आवाज जानी चाहिए जो आप लोग खा पी रहे हैं इसमें क्या केमिकल्स हैं कि नहीं है। बंद करवा दो चीजें, अगर आप नहीं बंद कर सकते तो नेता बंद करवाएंगे, लेकिन पहले उनको वीडियो पहुंचाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप अपने आप को अपग्रेड कर पाएं। स्वस्थ रहें, मेरे साथ बने रहें।